दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 100 रनों से करारी शिकस्त दी है और इसी के साथ तीन मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला और भी ज्यादा रोमांचक हो गई है। तीसरे मुकाबले में भारत और इंग्लैंड जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगे। ऐसे में इस मुकाबले का मजा दुनिया भर का कोई भी क्रिकेट प्रशंसक छोड़ना नहीं चाहेगा। तो आप किसे कब और कहां देख सकते हैं उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से खतरनाक तेज गेंदबाज कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला खेली जा रही है, जिसमें पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। वहीं दूसरे मुकाबले में वापसी करते हुए अंग्रेजों ने भारत को 100 रनों से हराकर अपना बदला पूरा किया। ये सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है और सीरीज का बचा हुआ आखिरी और एकमात्र मुकाबला अब फाइनल की तरफ हो गया है, जहां दोनों ही टीमें जीत के लिए जी जान लगाती हुई नजर आएंगी। एक तरफ जहां इंग्लैंड आखिरी मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी, वहीं रोहित की सेना दूसरे मुकाबले में मिली करारी शिकस्त का बदला लेकर इंग्लैंड से अपना हिसाब चुकता करना चाहेगी। दूसरे मुकाबले में भारत का कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया था, चाहे कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली, ऋषभ पंत या फिर सूर्यकुमार यादव ही क्यों ना हो, तो फोल्डर से लेकर मध्य क्रम में किसी बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसका नतीजा ये रहा कि पूरी टीम महज 146 रनों पर ही आउट हो गई। तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया अपने इस प्रदर्शन को सुधारना चाहेगी। बता दें कि तीसरा और आखिरी मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। अगर इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। ओपनिंग की जिम्मेदारी रोहित शर्मा और शिखर धवन संभालेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। विराट कोहली इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर अपनी फॉर्म हासिल करना चाहेंगे। इसी के साथ नंबर 4 और 5 पर सूर्यकुमार यादव और ऋषभ पंत नजर आएंगे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, ऐसे में कैप्टन रोहित को उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ऑलराउंडर की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के कंधों पर रहने वाली है। अब तक इन दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और आखिरी मुकाबले में भी वो अपनी इसी फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा के साथ एक बार फिर से युजवेंद्र चहल निभाएंगे। दूसरे T20 मुकाबले में चहल ने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की सरजमी पर हलचल मचा दी है और आखिरी मुकाबले में रोहित शर्मा इसी तरीके से प्रदर्शन की उम्मीद उनसे जताई जा रही है। इसके साथ ही तेज गेंदबाज आक्रमण की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी करते हुए नजर आएंगे और हो सकता है रोहित आखिरी मुकाबले में अर्शदीप सिंह को मौका दे दें, हालांकि ऐसा होता हुआ कम ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला आखिरी एक दिवसीय मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है। ऐसे में इस हाई वोल्टेज का मजा कोई भी क्रिकेट प्रशंसक छोड़ना नहीं चाहेगा, जिसे आप सोनी के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ देख सकते हैं। साथ ही आप इसे सोनी लिव ऐप पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और अगर इस मुकाबले का मजा आप मुफ्त में उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जियो टीवी ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिरी मुकाबले में विराट कोहली अपनी फॉर्म में वापसी कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।